Thank you, sir. The subject of today's discussion is current status of economy, job creation and employment. Sir, 2014 में जब मोदी सरकार ने जिम्मा संभाला तब ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति भी ठीक नहीं थी, एफडीआई का फ्लो बहुत कम हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति गंभीर थी, देश के बैंकों की स्थिति विशेषकर एनपीएस के कारण चिंताजनक थी। इन सभी स्थितियों से मार्ग निकालना, उद्योगों को बढ़ाना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, हर हाथ को काम की स्थिति को क्रिएट करना, यह एक चैलेंजिंग टास्क है। सभी सरकारें देश हित में अनेक निर्णय लेती है, लेकिन जिस स्पीड से जो काम होना चाहिए जब वह नहीं होता तो अनेक कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सर, मोदी सरकार इन कठोर निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। आज हमारे देश की स्थिति जब सरकार हाथ में संभाली गई थी उस समय से कई गुना परिस्थितियों में अंतर हो चुका है। इस सरकार ने न सिर्फ पुराने इश्यूज को स्ट्रीमलाइन किया, साथों साथ विकास का एजेंडा भी तेजी से आगे बढ़ाया है। सर, मैं अब कुछ चीजों को विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, डिफेंस सेक्टर में इंडियन कंपनीज का पार्टिसिपेशन, स्टार्टअप कंपनीज का प्रमोशन, मुद्रा लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन स्कॉलरशिप्स, अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लान को बनाना, 2022 तक हर व्यक्ति को घर मिले इसकी योजना तैयार करना, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज को रीजनेबल कॉस्ट में कैसे मिले उसकी चिंता करना, अल्टरनेट फ्यूल को एनकरेज करना ताकि डीजल और पेट्रोल का हम आयात कम कर सके, और सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को जिन स्कीम से लाभ हो उनको बढ़ावा देना। सर, ये सभी चीजें जो हैं इस सरकार ने इतने ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स शुरू किए। सर, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, यह दोनों इस सरकार के द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णय थे। सर, इनिशियली कोई भी जब एक बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसकी तकलीफ सभी को होती है। सरकार इस चीज को बहुत अच्छे से जानती थी। ऐसा नहीं है कि आज कोई निर्णय को लागू किया तो कल से उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे, लेकिन जब दूरगामी परिणामों की चिंता की जाती है, इट इज लाइक एंड दैट इफ यू हैव टू गो फॉर ए गुड डिनर इन द रेस्टोरेंट फॉर द जाना है तो सर, जब आदमी अच्छी जगह जाता है रेस्टोरेंट में, अच्छा खाना वहाँ उसको मिलने वाला है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आदमी सोचता है कि मैं सुबह आज खाना कम खाऊं, थोड़ा सा लाइट भी खाऊं ताकि मुझे शाम को बहुत अच्छे से खाना खाने मिले, मेरे पसंद का खाना खाने मिले। सर, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन इसी प्रकार की दोनों निर्णय थे। तकलीफ इनिशियली हुई लेकिन आज उसके जो परिणाम हैं ये हम सब देख रहे हैं। सर, इनिशियल प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल एंड द गवर्नमेंट, बट फॉर ए बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल कॉस्ट। नाउ वी आर सीइंग द फ्रूट्स ऑफ इट। फ्यू टू नेम आर फॉरेक्स रिजर्व आर इंक्रीज्ड, स्टॉक एक्सचेंज इज सीइंग सब्सटेंशियल इंक्रीज डे बाय डे, फिस्कल डेफिसिट इज रिड्यूस्ड देन बजेटेड, सब्सटेंशियल ग्रोथ इज सीन इन कोर सेक्टर्स लाइक स्टील सीमेंट, मुद्रा लोन इज ए ह्यूज सक्सेस फॉर स्मॉल एंड पुअर, एफडीआई इज इंक्रीजिंग डे इन एंड आउट, कंट्रीज रेटिंग इज मूव अहेड। सर, एक्सपोर्टर्स खुश हैं, इंपोर्ट कम हो गए, हमारा फॉरेक्स बचने लगा है। सर, कोई माने या न माने, पुराने लेगेसीज इशू को पटरी पर लाते हुए नए काम को बढ़ाना, सिर्फ बढ़ाना ही नहीं मल्टीफोल्ड बढ़ाना, ये एक चैलेंजिंग काम होता है। इससे देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है, बहुत तेजी से हो रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ ज़्यादा हुआ, सर मेरा कहना ये जितने भी आंकड़े हैं इस फिगर्स में जाने के बजाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसके माध्यम से
जो सेल्फ डेवलपमेंट और स्टार्टअप कंपनियों का काम बढ़ा है, अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट। पहले मैं किसी के यहाँ काम करता था, आज मैं, मुझे बैंक के लोन देने को तैयार है, मैं आज खुद का काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ, कर भी रहा हूँ। इससे भी इस देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मेरा, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये जनता का भी विश्वास है, और आने वाले समय में इन सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के दृष्टि से, देश के रिजर्व को बढ़ाने की दृष्टि से जितने भी काम किए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष भी उसमें कंस्ट्रक्टिव साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अजय, मच मोर टाइम लेफ्ट, नो इशू।